फिल्म की सक्सेस के पीछे एक ही शख्स का हाथ है, मेरे धोनी का, जिसका नाम है कुणाल देशमुख। पिक्चर जब कामयाब होती है तो डायरेक्टर कामयाब होता है, और जब डायरेक्टर कामयाब होता है उसके बाद सारी टीम कामयाब होती है। ये हमारी शान है। ये लड़का पहले ही डेब्यू में इसने अपना एक सिक्सर मारा है जो बाउंड्री के बाहर नहीं, स्टेडियम के बाहर चला गया। और ये जो खातून हमारे बाजू में खड़ी हैं, ये जो अभी काले चश्मे के पीछे छुपी हैं, ये जो है आने वाले कल में आपको एंटरटेनमेंट शोज के, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के शोज होते हैं, उसके फ्रंट रोज में मिलेंगे। ज़रा गौर से देख लीजिए। तो हमने ये इस उम्मीद से फिल्म बनाई थी कि फिल्म अच्छी बनाएंगे, मगर ये आईपीएल का कुछ माहौल और कुछ एक ऑब्सेशन जो मुल्क में कुछ बन सा गया है क्रिकेट को लेकर, उसका बड़ा एक मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि पिछले महीने जो फिल्में लगी उसका हशर आपने देखा, बड़े बड़े कलाकार थे। कंपेयर टू दैम हमारी फिल्म जो है एक लो प्रोफाइल फिल्म है, एक स्मॉलर मॉडर्न प्रोडक्ट है, मगर क्योंकि क्रिकेट का उसमें एक वॉलपेपर था और फिल्म जो है अच्छी थी, वर्ड ऑफ माउथ अच्छा था, फिल्म ने एक सेंसेशनल ओपनिंग के अलावा एक बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसकी वजह से आज हम आपके सामने माइक्रोफोन के सामने इस लायक बने हैं कि हम बक बक कर सकें। देखिए, पहली फिल्म में इतना सिंसियर काम कर लेना अपने आप में एक बहुत बहुत मेजर अचीवमेंट है। क्योंकि पहली फिल्म में जो हीरोइन होती है वो अपने चेहरे और अपने लुक के जो नार्सिसिस्टिक घेरे से बाहर निकलती नहीं है। इस लड़की ने अपने लुक्स पे ज़्यादा काम नहीं किया, अपने परफॉर्मेंस पे ज़्यादा काम किया। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर एक समझ है कि एक एक्ट्रेस जो है वो एक इमोशन प्रोड्यूसिंग मशीन है, खूबसूरत लगना सेकेंडरी है, ये इसकी एक बेसिक एसेट है। बहुत अच्छा ये फिल्म जो है, इसका सारी दुनिया से वही रिस्पॉन्स आया जो हिंदुस्तान से आया है। पाकिस्तान में हमने ये फिल्म जब प्रीमियर की थी तो हमको लगा था कि शायद ये रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जो हमको लगता था, जो हमको ट्रायल शूट मिल रहा था, मगर वहाँ पर भी लोगों ने बहुत जेनरसली फिल्म को रिस्पॉन्ड किया। और कल मेरी बात हुई थी कराची के, शो सारे फुल थे, और एक जगह है मुल्तान जहाँ पर 700 के कैपेसिटी के हॉल में 900 लोग बैठे हुए थे। तो पाकिस्तान में भी फिल्म बहुत बड़ी हिट है। इट वॉज इंटेंशनल दैट वी रिप्रोड्यूस the component of Sanjay Dutt, which was magically reproduced by Salim Khan and me in Naam, in Jannat. And what Kunal has pulled off is something sensational. He has made it very young, because you know, it has connected with the youth of India. And because ye ek naujawan filmmaker hai, it has not been a easy task for me to understand, but he has done it with great ease. हम एक फिल्म अभी प्लान कर रहे हैं जो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में उसकी हम शूटिंग करेंगे, और हमने वहाँ की हुकूमत से एक परमिशन की अपील की है, और ये फिल्म हम बहुत जल्द अनाउंस करने वाले हैं, और उसकी शूटिंग भी यकीनन जुलाई से पहले शुरू हो जाएगी। देखिए, कामयाबी बहुत कम भाग्य में आती है, और जब कामयाबी आए तो उसको गले लगाना चाहिए, उसका पूरा आनंद लेना चाहिए। हम जब फिल्म लगाते हैं तो अक्सर कैमरा से छुपते फिरते हैं, क्योंकि जब हम हारते हैं तो अक्सर आप लोग हमें बहुत जलील करते हैं, बहुत नीचा दिखाते हैं। बहुत कम अवसर मिलते हैं जब हम अपनी छाती तान के आपके सामने खड़े होते हैं, क्योंकि हमारे पीछे ऑडियंस का सपोर्ट होता है, बॉक्स ऑफिस की सिक्कों की गूंज होती है। नहीं तो जब फिल्म लगती है तो आप तो पहले उम्मीद करते रहते हैं कि पिटने वाली है, उसके बाद में क्रिटिक आते हैं जो ये दावा करते हैं कि उसको उनको सब पता है, फिर वो कहते हैं फिल्म जलने वाली है, मगर जब दर्शक हमें सर पे उठाता है तो फिर आप भी मजबूर होकर हमें गले लगाते हैं। तो हम आज जो हैं छाती तान के आपके सामने खड़े हैं कि आईपीएल की आंधी में जन्नत ने वो कमाल किया है जो बड़े बड़ों ने। ये हमने कभी अपने आप से झूठ नहीं बोला है, हमें इस बात की गलतफहमी है ही नहीं कि आईपीएल की का क्या योगदान है हमारी फिल्म की कामयाबी में। और मगर हमने ये कुछ प्लान नहीं किया था, ये कोइंसिडेंस है, मगर ले देकर आईपीएल तो पहला शो फुल कराएगा, दूसरे शो में आदमी तभी आएगा सुन के कुछ आएगा, क्योंकि दूसरा शो खाली हो जाता है जब वर्ड ऑफ माउथ होता है नेगेटिव। आपने बड़े बड़े महारथियों को देखा है कि पहला शो सेंसेशनल हाउसफुल लेते हैं और शाम तक जो है फिल्म जो है पानी नहीं मांगती। हमारे फिल्म में कुछ है
आईपीएल ने मदद की, मगर आईपीएल के अलावा फिल्म के अंदर एक गुर्दा था, उसके अंदर कोई जान थी, उसमें एक सेंसेशनल परफॉर्मेंस है, इस बच्चे की ब्रिलियंट डायरेक्शन है, इस बच्चे की ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है और एक सेंसेशनल म्यूजिकल ट्रैक है जिसने फिल्म को कामयाब बनाया और मुझे इसकी बड़ी खुशी है। हाँ, कुणाल तो अब लगता है कि हमसे जो मांगे वो कम है क्योंकि उसने एक ऐसा परफॉर्मेंस दिया है। हमारे कंप्लीट विशेष फिल्म के करियर में इतनी बड़ी हिट हमने कभी देखी नहीं थी। जब से हमने शुरू किया अपना करियर, इन टर्म्स ऑफ इट्स रीच, इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वांटम ऑफ प्रिंट्स दैट इट वाज रिलीज्ड, कुछ 700 से ज़्यादा प्रिंट्स लगी हैं और इसका एक मैसिव मैसिव पेनिट्रेशन रहा है। तो हमारे लिए एक ये एक स्टेज 3 है अपनी जर्नी का। मैं तो इमरान को ही क्रेडिट देता हूँ, मगर जब डायरेक्टर सामने खड़ा होता है तो उससे बड़ा कोई नहीं होता। एक्टर क्रेडिट डिजर्व करता है मगर डायरेक्टर से ज़्यादा डिजर्व नहीं करता, क्योंकि ले देकर जीत डायरेक्टर की होती है, हार डायरेक्टर की। हम जो हैं नए लोगों के साथ काम करते हैं, अगर ये बच्ची सुपरस्टार हो जाती है हमारे साथ काम नहीं करती, ऑल द बेस्ट टू हर, क्योंकि हम हमारी नज़र वहाँ होती है जहाँ पर कोई नया नौजवान कलाकार, कोई नया डायरेक्टर खड़ा है जो अपना हुनर दिखाना चाहता है, हमारा हाथ उससे बंधा रहेगा। लेकिन ऐसा होता है, आपने बनाया सितारा, फिर वो उनकी पहुँच से आप ही दूर हो जाते हैं। हमने किसी को कुछ नहीं दिया है, उनके अंदर हुनर होता है, उनके अंदर दम होता है, वो एक्सप्रेस करता है अपने आप को, हम एक अवसर प्रोवाइड करते हैं। और ये हमें इस बात का गहरा एहसास है कि टैलेंट जो है वो किसी के बाप की जागीर नहीं होती है, वो एक शख्स में अगर है तो दूसरे में भी है। और ये हिंदुस्तान 100 करोड़ लोगों की आबादी है, इसमें टैलेंट आज नहीं कल आपको मिलेगा अगर आपने दरवाजे खोल कर रखे।